नीरा फाइनेंस ऐप से मैंने यहाँ पे एक लोन लिया है और मेरे पास पैसा आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अगर फोर क्लोजर अमाउंट यहाँ पे अगर एक बार साथ में पैसा पे करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ का बेनिफिट होता है, तो चलिए इस वीडियो का स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नीरा से दो लोन यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं 3098 वाला जो किस्त है इसको मैं पूरा मतलब एक साथ में पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे 10 अप्रैल का इनका एमआई आएगा 3098, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मुझे फोर क्लोजर करना है, तो इसके लिए मुझे क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर की अवेलेबल लिमिट जो है हमारा यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पर मेरे को क्लिक करना है, जो 3098 जो यहाँ पे है इस पर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो लोन डिटेल्स, ये लोन आईडी आपको यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, लोन अमाउंट जो कि यहाँ पे 35,000 का था, एमआई जो है 3098 का है, टर्नओवर की बात की जाए तो 14 महीने का था, स्टार्ट हमारा ये दिसंबर 10, 2023 को हुआ था, ठीक है। एमआई का यहाँ पे रिमाइंडिंग अभी 10 बाकी है। लोन डिस्ट्रीब्यूटर नवंबर 20, 20 नवंबर 2023 को हुआ था। स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पे अभी ओपन है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जब हम आएंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमें ये मिलता है कि नेक्स्ट एमआई 3098, यानी कि अगर मुझे इसको पे करना है तो मैं यहाँ से पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पे नहीं करना है। अब दूसरा नंबर में ऑप्शन मुझे मिलता है फ्री क्लोजर लोन, तो यहाँ पर देखिए फ्री क्लोजर लोन पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर जब नीचे की ओर थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन आएगा व्यू अपकमिंग एमआई, यानी कि आपका एमआई अभी कितना बाकी है वो दिखाया जाएगा। अभी पेमेंट स्टोरी मतलब आपने कितना एमआई पे किया वो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टोरी दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने चार किया है तो मैंने यहाँ पे चार दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लोज किया। अब मैं बात करता हूँ कि अब फोर क्लोजर मुझे करना है, तो यहाँ पे देखिए फोर क्लोजर लोन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी डिटेल्स बाई डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लोन आईडी नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में। प्रिंसिपल अमाउंट 26,128 रुपया है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 50 रुपया लगा है दो दिन में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फ्री क्लोजिंग चार्ज यानी कि हमसे क्लोजिंग चार्ज नीरा ऐप वाले हमसे लेते हैं यहाँ पे 1,045 रुपया, ठीक है। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो 27,223 रुपया यहाँ पे मुझे पे करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे बेनिफिट क्या हुआ अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर मेरा 10 किस्त बाकी है तो मेरा 30,900 कुछ भरना पड़ेगा पूरा, अगर भरेंगे तो ऐसे मुझे 27,223 में मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे यानी कि बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 4,000 के लगभग मुझे यहाँ पर बचत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने पे नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो UPI होंगे वो खुल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ देर लोडिंग होगा और देख लेते हैं। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे यहाँ पे जो भी UPI है यहाँ पे आ गया है सामने। तो आप गूगल पे से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं, आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, आप अदर से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों गूगल पे। तो हम गूगल पे पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने गूगल पे पर क्लिक किया तो ये देखिए गूगल पे में रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक मेरे को कर दिया। अब यहाँ पर मुझे गूगल पे का जो भी मेरा ये लॉक है मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो है मेरा 27,400 यहाँ पे 11 रुपया आ चुका है, ठीक है। तो 27,411 है, ठीक है। तो चलिए 27,411 रुपया यहाँ पे मुझे इनका देना पड़ेगा, तो चलिए इनको हम दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम पे पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने पे पर क्लिक किया पूरा डिटेल्स व डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर एक बार क्लिक करूँगा। इसके बाद मेरे से मांगा जाएगा कि आप अपना UPI पिन डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ ताकि इनका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए नीरा फाइनेंस ऐप का, ठीक है। हमने यहाँ पे दोस्तों अपना पिन डालकर सही पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा पेमेंट देखिएगा कुछ सेकंडों में इनका पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये पेमेंट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेटिंग फॉर पेमेंट, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे बैंक से मैसेज भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए UR आंसर ओके, ठीक है। 27,223 रुपया हैज बिन सेंट प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन मेरा ओके हो गया। तो इस पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा इंटरफेस आता है नीरा ऐप का। तो माय लेटर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने जैसे वहाँ पे मैंने अपना लोन पे कर दिया, मैंने जो भी मैंने इनका लोन था मैंने लिया था वो पे कर दिया। तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल लिमिट इन्होंने दे दिया कि आप फिर से अगर आपको लोन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे ये लोन की अब आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा कि नीरा ऐप में अगर फोर क्लोजर हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, और टाइम पर हम EMI पे कर देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही।
ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि फिर ये बात उनको भी मालूम पड़े। फिर मिलते कोई हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।